1, Lesson 4, rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Is type ki rimorchio par aap camping ka saman ya sport ki cheeze jaise ship, gaadiyan, motorcycle wagaira le ja sakte hain. Ise sirf personal use ke liye personal istemal mein laya ja sakta hai, na ke commercial use ke liye. In rimorchi di trasporto di attrezzature turistiche sportive sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costruire oggetto di commercio ma essere impiegate solo per il tempo libero. TETS, trasporto di attrezzature turistiche sportive, trolley, jo maksus hai ozaron ki transport ke liye jo commercial cheez na banaye lekin personal hobby ke liye istemal ki ja sakti hain. Ye wali jo hai ye personal istemal ke liye ki ja sakti hain, use ke liye agar aapne ship wagaira apna koi transport karna hai ya aur koi cheez transport karni hai, ye isliye trolley bani hoti hai, ye commercial use ke liye nahi aati. Okay. Semi rimorchio, वो ट्राली होती है जिसकी कुछ हिस्सा ट्रैक्टर स्टडाले खींचने वाली गाड़ी पे होता है, जिसने वजन जिसका एक हिस्सा ट्रैक्टर स्टडाले पे होता है और इनमें भी ब्रेक सिस्टम होता है जो के मेन गाड़ी के साथ अटैच होता है. ठीक है जी, सेमी रिमोर्क्यो ये होती है, पहले भी मैंने बता चुका हूं, ये अपना कुछ वजन जो है ट्रैक्टर स्टडाले पे फेंकते हैं और इनमें अपना ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है और ये वो रिमोर्क्यो है, जैसे ये अब इस पे एक छोटा सा शिप लोड हुआ हुआ है. रिमोर्क्यो पर ट्रांसपोर्ट होती है ट्रेसतुरे टूरिस्टिके स्पोर्टिवे. करेली अपेंडिची, इसे ऑटो व्हीकलो भी खींच सकती है. ये रिमोर्क्यो की कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि इसका वजन और स्ट्रक्चर उसकी लिमिट में नहीं पहुंचता. करेलिया पेंडिची ये वाली होती है जी, जैसे ये आप देख रहे हैं एक कंप्रेसर है जो कि गाड़ी के पीछे ये हुक के जरिए लगाया जा सकता है. ठीक है जी. रिमोर्की लेजेरी, हल्की ट्रॉलियां. रिमोर्की लेजेरी ये है, ये वाली छोटी सी ट्रॉली बनी है. इनका लोडेड वजन जो है वो 7 किलोग्राम तक होना चाहिए. ठीक है जी, ये अपने ऊपर मैक्स जितना वजन और इनके समेत इनका वजन 750 किलोग्राम होना चाहिए. I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg. Rimorchi leggeri in loaded maximum wazan 750 kg tak hota hai. Macchine agricole, agricole, agriculture machines. ये वो गाड़ियां हैं जो एग्रीकल्चर या जंगल में काम के लिए इस्तेमाल होती हैं. इनमें सेमोवेंटी अरुओते ओचिंगोली ट्रैक्टर टायर्स वाले या कोई चेन वाली गाड़ी. ये अरुओते ये वाली होती हैं जी जिनके टायर हैं और अचिंगोली ये वाली होती हैं जिनके ये चेन है. ठीक है जी, ये चिंगोली ये चीज है अचिंगोली. ये किसी चीज को धकेलने हटाने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और रिमोर्क्यो वगैरह को खींचने के काम आती हैं. इसमें मैक्सिमम 3 आदमी बैठ सकते हैं. कार्ता दी सर्कुलेशने पर लिखा होता है, इसकी लिब्रेटो पे ये चीज लिखी हुई होती है कि कितने बंदे इसमें बैठ सकते हैं. इस पे एक जगह से दूसरी जगह जाना वो तो इसमें खड़े होकर सफर नहीं कर सकते. ठीक है जी, यानी कि अंदर बैठ के आप सफर कर सकते हैं, ये नहीं कि साथ लटक रहे हो खड़े रहो. माकिने ओपेरातिची, ओपेरातिची से मोवेंटी अरुओते ओ अचिंगोली. इसमें भी मैक्सिमम 3 आदमी बैठ सकते हैं.
ड्राइवर्स मेद रोड पर मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती हैं और अगर चेन वाली हैं तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। इनकी दो किस्में हैं। अगर हमारी जो टायरों वाली हैं वो 40 किलोमीटर की स्पीड में चल सकती हैं और दूसरी चेन वाली जिनकी चेन जो हमने ऊपर पहले देखी थी उनके 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती हैं। इनकी दो किस्में हैं, माकिन है ओपेरा त्रिची की। माकिन है पर ला कुस्त्रुज्योने ए मानुतेंसियोने दी ओपेरे स्ट्रादाली। माकिन है पर ला कुस्त्रुज्योने कंस्ट्रक्शन के लिए ए ला मानुतेंसियोने दी ओपेरे स्ट्रादाली, रोड वगैरह की मेंटेनेंस के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, यानी कि ये वाली। माकिने जगोम्ब्रा नेवे, माकिना जगोम्ब्रा नेवे, ये जो बर्फ हटाने वाली है। ओके, le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate. Le macchine agricole, agriculture machine, possono circolare, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, su strada, road पर, per il proprio trasferimento, movement के लिए, transfer करने के लिए, se immatricolate. अगर इनको तारगा वगैरह लगा हुआ है और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एग्रीकल्चर गाड़ियां रोड पर भी चल सकती हैं अगर तमाम कागजात दुरुस्त हैं, इनके तारगा, इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है जी। ले माकिने एग्रीकोले पोसोनो एसरे आरुओते ओ चिंगोली, एग्रीकल्चरल गाड़ियां, गाड़ियों के टायर या चेन भी हो सकती है, ठीक है जी, इनके टायर या चेने भी हो सकते हैं। ले माकिने अग्रीकोले अ रुओते ओ अ चिंगोली पोसोनो सर्कुलारे सु स्ट्रादा पेर इल ट्रास्पोर्टो दी प्रोडोट्टी अग्रीकोली पेर कोंटो देल्ले अजेंदे अग्रीकोले ए फॉरेस्टाली। एग्रीकल्चर गाड़ियां टायरों वाली और चेन वाली गाड़ियां रोड पर चल सकती हैं, जरूरत ज़रात या जंगल की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है जी। Le macchine agricole possono essere simoventi, tractor o trainati, trolley. Simoventi, वो चीज़ जो खींच सकती है, और ट्रॉली ट्राइनाती जिन्हें खींचा जाता है। एग्रीकल्चर की गाड़ियां ट्रैक्टर या ट्रॉलियां हो सकती हैं। Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole. Macchine agricole, agriculture gariyon mein special tool bhi ho sakte hain, हैं जो एग्रीकल्चर काम में मदद करते हैं, हल हल थ्रेशर वगैरह जो है। ले माकिने ओपेरात्रिची पोसोनो एसेरे सिमोवेंती ओ ट्राइनाते, काम करने वाली गाड़ियां ट्रैक्टर या ट्रालियां हो सकती हैं। Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve, बर्फ हटाने वाली, काम करने वाली गाड़ियां बर्फ हटाने वाली भी हो सकती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा ये हो गया क्लियर। कुंतुचेंते ड्राइवर दुवेरी, उसके जो फ्राइज है, नलूजो दला स्ट्राडा रोड इस्तेमाल करने में, गुमविवेंसा चिविले ए उजो रिस्पॉन्साबिले देला स्ट्रादा, रोड इस्तेमाल करने में ड्राइवर के फ़राइज, सिविल सोसाइटी और रोड के इस्तेमाल में जिम्मेदारी। इटालियन कानून इजाज़त देता है रोड पर चलने की, लेकिन सिर्फ उस हालत में जबकि रोड के कानून की रिस्पेक्ट की जाए जो के बनाए हैं हिफाजत और सेहत को मद्देनजर रखते हुए। जीवियती जनरली जनरल ममनू। पूरे तमाम किस्म के रोड्स पर ममनू है किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना, रोड पर किसी भी साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाना या तोड़ना, चाहे वो किसी भी किस्म का हो,
Angeles, Svalbard, è vietato spostare o imbrattare le segnalate. Scusa, la segnaletica stradale è vietato spostare o imbrattare la segnaletica stradale. Mamnu hai che signboard ko apni jagah se hatana ya ganda karna. Spostare, hatana, imbrattare, ganda karna. Segnaletica stradale, road che signboards vera jo hai, jo road che nishanate. È vietato rimuovere la segnaletica stradale. Mamnu è hatana un signboard. Spostare la segnaletica stradale può comportare pericolo grave per gli altri utenti della strada. Spostare hatana road che board può comportare pericolo khatra ban sakta hai grave zyada per gli altri utenti, dusre jo user hai road che della strada road che. साइन बोर्ड के हटाने से दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। पॉइंट बी, ममनू है रुकी हुई या चलती गाड़ी से कुछ बाहर फेंकना, चाहे वो बंकीना या रोड से बाहर ही गिरे। ममनू है किसी किस्म का गंद रोड पर रखना, चाहे वो ऑयल, पेट्रोल या किसी किस्म का कोई और लिक्विड ही क्यों ना हो। ममनू है कीचड़ भरे टायर से रोड पर चढ़ना। È vietato lanciare dal finestrino mozziconi di sigarette accesi. Vietato mamnu è lanciare penkna finestrino khidki se mozzichini di sigarette, सिगरेट के फिल्टर को che क्या कहते टुकड़े हैं बॉस? accesi जलते। ये ममनू है गाड़ी की जो खिड़की सिगरेट से पीते हैं जलते बच्चा सिगरेट को बाहर फेंकना। Gettare mozzichini di sigarette accesi dai finestrini è molto pericoloso, soprattutto se mozzichine sopraggiungono veicoli a due ruote. Gettare penkna mozzichini di sigarette che trucchere accesi, gelte, finestrino, khidki è molto pericoloso, khatarnak hai, soprattutto sabse zyada se sopraggiungono veicoli a due ruote, yani che agar motorcycle walon pe jin gaadiyon ke do tyre hain unke upar gire. Jalte cigarette khidki se bahar fekna khatarnak hai, khaas taur par jab motorcycle wale par gire. Gettare mozziconi accesi dai finestrini in prossimità di boschi o aree verdi potrebbe causare incendi. Gettare mozziconi, cigarette penkna accesi, jalte hue dai finestrini, khidki se in prossimità, nazdik di boschi, jungle ke o aree verdi, o sabz hari jagon par, green jagon par potrebbe causare, lag sakti hai, incendio. Potrebbe causare vajah ban sakti hai incendi aag ki. Jalte cigarette jungle ya hare ilakon mein aag ka sabab ban sakta hai ya aag ki vajah ban sakta hai. Theek hai ji, evietato spargere fango o detriti sulle strade con le ruote sporche dei veicoli. Evietato mamnu hai spargere jo hai phailana fango kichad detriti bajri sul o detriti sulle strade road par con le ruote sporche gande tyron se gaadi ke. Mamnu hai road par kichad ya gand bajri bhare tyre se road ko ganda karna. Il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio deve compiere tutte le azioni necessarie per evitare pericoli per altri utenti. Il conducente, driver, che si accorgere, se pata chalta hai che il suo veicolo, gari, perde olio zaya karti hai, deve compiere, usse karna hoga tutte le azioni necessarie, tamam, जरूरी एक्शन लेने होंगे पर विदारे बचने के लिए पेरिकोली खतरा पर यात्री होते हैं थी जो दूसरे रोड के यूजर्स हैं उनका। अगर ड्राइवर को पता चले कि उसकी गाड़ी ऑयल लीक कर रही है तो उसे तमाम वो काम करने हैं जिससे औरों को नुकसान ना हो।
ticket, il conducente che si accorga che il suo veicolo ha forti perdite di olio o carburante deve immediatamente avvisare l'ente proprietario della strada o gli organi di polizia. Driver ko jab pata chale ki uski gaadi se tel ya petrol zyada miqdar mein nikal raha hai to wo foran road ke sarbara ya road ki police ko aga kare. Il conducente di veicolo a due ruote può circolare portando con sé un animale domestico se custodito in apposita gabbia purché non sia sporgente di oltre 50 cm. Il conducente di veicolo. Carica driver a due ruote do tairo wala po circolare ghum sakta hai portando con sé uske saath se saath un animale ek janwar domestico paltu jo gharon mein humne janwar pale hote hain se custodiato in apposito gabbia agar wo ek chote se jangle mein hai gabbia jisme janwar rakhte hain gabbia jangla purché non sia sporgente jab wo bahar na nikal raha ho 50 cm. Theek hai ji, ek do tires wali gaadi ka driver chal sakta hai apne saath ek paltu janwar lekar agar wo hifazat ke saath pinjre mein band hai aur wo 50 cm se zyada bahar nahi nikal raha. Theek hai ji, jo jangla hai wo 50 cm se agar bahar nahi nikal raha to aap use bhi saath leke safar kar sakte hain. Alla guida di un veicolo, il conducente deve procedere a bassa velocità sopra le pozzanghere. Alla guida di un veicolo, il conducente deve procedere a bassa velocità sopra le pozzanghere. O se continuo karna hoga a bassa velocità, kam speed, sopra le pozzanghere. Pozzanghere jo road par ya road se bahar bhi pani ke khadde se bane hue hote hain, unhe pozzanghere kehte hain. गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को पानी वाले गणों से स्पीड कम कर लेनी चाहिए. Se uscendo da un sentiere fangoso si sporca notevolmente la strada si può incorrere in una sanzione amministrativa. Sanzione, cioè, se uscendo da un sentiero fangoso agar aap nikal rahe hain jahan pe bahut zyada kichad hai si sporca notevolmente la strada agar aap road ko zyada ganda karte hain si può incorrere una sanzione amministrativa aapko diya ja sakta hai multa. Sanzione amministrativa jo jurmana hota hai use kehte hain ji. Agar aap kichad se nikal kar road ko zyada ganda karte hain to aapko chalan jurmana bhi ho sakta hai. Theek hai ji. Per evitare di sporcare la carreggiata bisogna pulire le ruote del veicolo prima di uscire dal sentiero fangoso. Carreggiate ko ganda na karne ke liye gaadi ke tire saaf kar le road par chadhne se pehle ya carreggiate par chadhne se pehle. Theek hai ji. Uscendo da un sentiero fangoso o da un cantiere bisogna assicurarsi che durante la marcia non cada terriccio che possa sporcare la strada. Kichad wali jagah se nikalne ya kaam karne wali jagah construction site se nikalne se pehle yakeen dehani kar lein ke chalte waqt road par kichad ya mitti na gire jo ke road ko ganda kare. Theek hai ji. Vietato danneggiare le opere e gli impianti stradali. Mamnu hai road ke art aur nizam ko nuksan pahunchana. Vietato mamnu hai danneggiare nuksan pahunchana le opere road ke yani ke sign boards wagera bhi ho gaye gli impianti stradali misal ke taur pe koi bhi road ka jo system hai use nuksan pahunchana jo hai ye mamnu hai.
È vietato gettare oggetti e rifiuti dei veicoli in movimento. È vietato, Mamnue, gettare pengna oggetti o rifiuti, oggetti cise ya gand dei veicoli, गाड़ियों का इन मूवमेंट जो हरकत कर रही हैं, चल रही हैं, ममनू है चलती गाड़ियों से चीजें या गंद फेंकना। ए वियेतातो स्पोरकारे ला करेजाता दिस डिपोजिटांडो रिफ्यूटी। ममनू है करेजाते को गंदा करना, उस पर गंद रखकर। ठीक है जी। È vietato immettersi sulle strade con le ruote del veicolo sporche di fango. Road per voi, gariyan chalana bhi mamnu hai, jin ke tires kichad se bhare hon. Theek hai ji? Creare situazioni di pericolo per la circolazione. Road per khatarnak halat paida karna. ठीक है। रोड पर रेस लगाना मना है, चाहे रात ही क्यों ना हो। जो पब्लिक जगह पर रेस लगाएगा उसके लिए बहुत बड़े जुर्माने हैं। या आप लाइन में खड़ी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, या तेज रफ्तारी से बार बार कुर्सियाँ चेंज करते हैं या तब्दील करते हैं। Sulle strade è vietato gareggiare in velocità. Sulle strade è vietato gareggiare in velocità. Road per mana è res lagana. Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate su aree pubbliche è punito con le reclusioni, con la reclusione. Joe driver essa letta è unauthorized race me, yani che jo ijazat nahi hai public road par, unke liye qaid ki saza hai. Reclusione qaid ki saza hai. Il conducente driver partecipa jo hissa leta hai a gare di velocità race ki jo hai race lagata hai non autorizzate jo authorized nahi hai su aree pubbliche public area mein e punito usse saza milegi con la reclusione qaid se è punito con la reclusione il conducente che gareggia in velocità su strade pubbliche. उस ड्राइवर के लिए कैद की सजा है जो पब्लिक रोड पर रेस लगाता है। ए पुनीतो कॉन ला रिक्लूजियोने के स्कुमेट्टे सू वेहिकोली के पार्टिसिपानो गारे दी वेलोसिटा नॉन ऑथोराइजाते सू स्ट्राडे पब्लिके। उसके लिए भी कैद की सजा है जो सट्टा या शर्त लगाता है उन गाड़ियों पर जो पब्लिक रोड्स पर इजाजत के बगैर रेस लगाते हैं। ठीक है जी। उन गाड़ियों को भी जो वहाँ पे शर्त को मैते शर्त लगाना, उनको भी जुर्माना होगा। Convivenza civile e uso responsabile della strada. Social society o road के इस्तेमाल में फ्राइज। एक अच्छा इंसान या ड्राइवर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कानून की रिस्पेक्ट करें, बल्कि सोसाइटी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करें जैसा कि आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। पुलिस के साथ भी अच्छी तरह बर्ताव करें। चलिए जी सवाल पढ़ते हैं। Il conducente di un veicolo, oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione, deve tenere un rapporto corretto e tollerante verso gli altri utenti della strada. Il conducente, driver di un veicolo, carica, oltre a rispettare ट्रैफिक के लिए उनकी रिस्पेक्ट करते हुए
deve tenere un rapporto corretto, उसने दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव रखना है, ए टॉलरेंट है, उसले वाला वर्सो गli altri utenti della strada, जो दूसरे रोड के यूजर्स हैं, जो दूसरे रोड को इस्तेमाल करते हैं। एक ड्राइवर को रोड के कानून के मुताबिक के साथ साथ रोड पर चलने वालों के साथ भी अच्छा और बर्दाश्त या हौसले वाला बर्ताव करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई बूढ़ा इंसान रोड पार कर रहा है तो आप उसे तसल्ली से रोड पार करने दें। अगर कोई जिसने आपने आपको प्रेसिडेंसा देना था वो प्रेसिडेंसा नहीं देता तो आगे आ जाता है, तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ से बचें, बजाय आप उसे एक्सीडेंट कर दें, ठीक है जी। अपने हौसले यानी कि कानून के साथ साथ अपने एक अच्छा इंसान होने का भी सबूत देना है। Quando si avvicina ad un incrocio, il conducente deve sempre usare la massima prudenza anche quando gli altri conducenti devono dargli la precedenza. Quando si avvicina ad un incrocio, jab ek choke pass jaye, il conducente deve sempre usare la massima prudenza. Driver ko bahut zyada ehtiyat karni hogi, anche quando gli altri conducenti, jab dusre driver ne devono dargli la precedenza, use precedenza ya haq dena ho. Jab ek driver choke ke pass पहुंचे उसे बहुत एहतियात करनी चाहिए, बेशक दूसरी गाड़ियों ने आप ही को प्रेसिडेंसा या हक देना हो। प्रेसिडेंसा का मतलब अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारा रोड हो गया, यहाँ पे मैं रोड बना देता हूँ, ओके आप इस रोड पे जा रहे हैं और ये वाला एक रोड जो है साइड से इंटर हो रहा है, ठीक है। आप मेन रोड पे हैं, ये एक मेन रोड नहीं है। आपको अगर पीछे कार्टेलो मिली है कि आपको अब इन पे हक है, प्रेसिडेंसा ये होता है कि अगर बाद में हम जब बोर्ड वगैरह पढ़ेंगे तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। इस गाड़ी ने जब आपको इस पे प्रेसिडेंसा इससे लेना है तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी ने मस्ट पहले रुकना है, जो गाड़ी यहाँ पे है इसने रुकना है, आपने पहले गुजर जाना है, फिर जब आप गुजर जाएंगे तो तब उसने कर यानी कि चलना है, समझ लीजिए। इसे कहते हैं प्रेसिडेंसा, इसने आपको प्रेसिडेंसा देना है। इसी तरह अगर आप इस साइड से आते हैं तो आपने प्रेसिडेंसा देना होगा इस गाड़ी को, इस गाड़ी ने आपसे प्रेसिडेंसा लेना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंसी का ये मतलब है। Il conducente di un veicolo deve tutelare la propria e la altrui sicurezza. Il conducente, il driver di un veicolo, gari ka, deve tutelare, deve usse karni hogi tutelare, hafazat karni hogi la sua, yani ke apni aur altrui, दूसरों की सेफ्टी का। एक ड्राइवर को अपनी और दूसरों की हिफाजत का ख्याल रखना होगा। इल कंडुचेंटे दी उन वेहिकुलो देवे रिस्पेक्टारे लिया जेंटी डेल ट्राफिको ए कोलाबोरारे कुन एसी। इल कंडुचेंटे दी उन वेहिकुलो देवे रिस्पेक्टारे लिया जेंटी डेल ट्राफिको इल ड्राइवर को गाड़ी के ड्राइवर को देवे रिस्पेक्टारे रिस्पेक्ट करना होगा, लिया जेंती दल ट्राफिक को, जो पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है, और कोलाबोरारे कुनेसी, और उनके साथ कोलाबोरेट करना होगा। एक ड्राइवर को रिस्पेक्ट करना होगा ट्रैफिक पुलिस का, और उनके साथ तावन करना होगा या ख्याल रखना होगा। Il conducente di un veicolo deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti. Il driver con road per dusron che harkaton aur bartav par nazar rakhni chahiye,
provedere il comportamento, un comportamento bartao cioè degli altri utenti. Il conducente di un veicolo deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento. Il conducente driver di un veicolo garica deve essere paziente. O se osla yani ke osla aur bardasht karna chahiye anche in caso di rallentamento della circolazione jab traffic jo hai slow ho jaye ek theek hai ji ek gaadi ke driver ko hausla aur bardasht karna hoga tab bhi jab traffic aahista ho. Il conducente di un veicolo non deve fare sempre affidamento sul comportamento degli altri che può non essere corretto. Deve fare sempre affidamento sul comportamento, yani che usse, il conducente di un veicolo, il conducente driver e garica non deve fare sempre affidamento, usse jikin nahi karna chahiye sul comportamento degli altri, dusron che bartao ka che si può non essere corretto, che vuoi. ठीक नहीं हो सकती. एक कार ड्राइवर को हमेशा दूसरों के रवैये पर यकीन नहीं करना चाहिए. हो सकता है वो ठीक ना हो. ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये नहीं कि आप अब बिल्कुल लकीर की फकीरी कर दो, अगला बंदा वन वे में घुस रहा है तो आप भी पीछे ही घुस जाओ. आपने अपने जो है सेंस इस्तेमाल करनी है. आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये चीज़ें जो हैं. Il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per primo quando sorge il dubbio che non gli venga concessa la precedenza. Il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per primo e garica driver co non può pretendere, o se insist nahi karna hoga, di passare per primo pehle guzarne ke liye quando sorge il dubbio, jab shak paida ho che non gli venga concessa la precedenza, jab use lage che use haq ya precedenza nahi diya jayega. एक कार ड्राइवर को इंसिस्ट या लाजिम नहीं होना होगा पहले गुजरने के लिए जब शक हो कि उसे प्रेसिडेंस या हक नहीं दिया जाएगा. अब इसका क्या मतलब है? ये अक्सर इस तरह होता है कि जब हम होते हैं, ये हमारा रोड हो गया. ठीक है जी. अब ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना इस साइड पे सॉरी इस साइड पे जा रही हैं, तो हमने अब अगर यहाँ से इंटर होना है ना यहाँ से, तो बाज़ वक़्त यूँ होता है कि हमें यूँ लगता है कि यहाँ पे कुछ ड्राइवर इस तरह के आपको मिल जाते हैं अजीब से, कि वो आपको जगह नहीं देते इंटर होने के लिए. तो उस टाइम ये नहीं कि आप यहाँ पे ज़बरदस्ती गाड़ी को घुसेड़ दें. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दी है. जब आपको लगे कि आप नहीं घुस सकेंगे तो आपने रुक जाना है. Il diritto di precedenza non autorizza il conducente ad attraversare l'incrocio senza usare prudenza. Diritto di precedenza driver को इसकी इजाजत नहीं देता कि चौक से गुजरे बगैर एहतियात किए. ठीक है जी. Il diritto di precedenza जो आपको दरीतो है प्रेसिडेंसी का हक का, नॉन ऑथोरिज़ा इजाज़त नहीं देता इल कंडुचेंटे ड्राइवर को कि अट्रावर्सारे लिंक्रोचो चोक को सेंसा उजारे ला प्रुडेंसा, कि चोक से गुजरे सेंसा एहतियात किए. ठीक है जी. आपको अगर प्रेसिडेंसा है भी, तो तब भी आपने जब गुजरना है चोक वगैरह से तो एहतियात करनी है. Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza agli incroci. सिटी सेंटर में इंटर होते हमें ध्यान रखना होगा कि अक्सर चौक में प्रेसिडेंसा चेंज हो जाता है. Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che il flusso della circolazione viene spesso intrallacciato o interrotto da veicoli che sono fermi, che partono o cambiano direzione. सिटी सेंटर में या आबादी में
इंटर होते ध्यान रखना होगा। अक्सर ट्रैफिक का भाव या फ्लो रुकावट पैदा या टूटा हो सकता है उन गाड़ियों की वजह से जो रुकी हुई हैं, रोड पर चल रही हैं या अपना रुख या डायरेक्शन तब्दील कर रही हैं। ठीक है जी। Entrati in un centro abitato bisogna tenere conto che gli altri utenti della strada, quali pedoni e ciclisti, si mescolano maggiormente con il traffico motorizzato. City center ya abadi wali jagah enter hote dhyan mein rakhna hoga dusre road istemal karne wale paidal chalne wale ya cycle wale zyada tadad mein mix hote hain engine wali gaadiyon ke sath. Theek hai ji. Traffico motorizzato jo engine wali gaadiyan maggiormente zyada mescolano mix hote hain. In un centro abitato bisogna essere più attenti, prudenti e tolleranti a causa del maggiore numero di utenti che interagiscono nell'ambiente urbano. Ek city center mein zarurat hai zyada mohtat ehtiyat aur hausle ki. Dusre road istemal karne wale bhi bahut zyada city center mein aamdoraft karte hain. Theek hai ji. Entrando in un centro abitato bisogna continuare a mantenere la concentrazione alla guida anche se potrebbero aumentare i motivi per distrarsi. City center mein enter hote zarurat hai dhyan ya tawajjuh driving par barqarar rakhne ki jabki ghaflat ki wajuhat badh sakti हैं। ठीक है जी। कंसंट्रेशन ध्यान मंतनेरे रखना होगा बिजुनिया कंटिन्यूअरे कंटिन्यू अलग विधा आंके से पुत्रेबेरो ओमेंटारे बढ़ जाना ही मुती विधि पर दिस्तरार सी गफलत वाले जो यानी कि जो हमें देती हैं पर मुती विधि पर दिस्तरार सी गफलत की वजूआत जो है वो बढ़ जाती है ना। Bisogna lasciare liberi gli incroci in caso di traffico intenso. Zarurat hai chok khali chhodne ki jab traffic zyada ya rush ho. Theek hai ji. Chok mein ab line lagi hui hai to chok jo ab humne cover nahi kar lene. Bisogna lasciare liberi i passaggi a livello e i binari del tram anche in caso di traffico intenso. Traffico intenso intenso zyada intenso gaadi ko kehte hain zyada traffic zarurat hai khali chhodne ki passage wali vello aur tram ki patthri ko us waqt bhi jab zyada traffic ho. Theek hai ji. Ab ye nahi ab train ki patthri pe kar dein line mein wait kar rahe hain aur itni der train aa jaye to phir bisogna lasciare liberi gli attraversamenti pedonali e quali ciclabili in caso di formazione di code dei veicoli. Formazione di code jab line lag jaye attraverso ok zebra crossing ko khali chhodne ki zarurat hai aur cycle tracks ko bhi jab gaadiyon ki line lagi ho. Bisogna lasciare libere le immissioni stradali, incroci, confluenze, ingressi dei parcheggi eccetera anche in caso del traffico intenso. Zarurat hai khali chhodne ki road entrance chok confluence T parking entrance wagaira us waqt bhi jab zyada traffic ho. Theek hai ji. Quando si viaggia in fila con altri veicoli non bisogna limitarsi a osservare solamente il veicolo che procede, ma occorre porre attenzione anche in lontananza per controllare la situazione del traffico. Quando si viaggia in fila con altri veicoli, jab safar karte hain dusri gaadiyon ke sath, non bisogna limitarsi a osservare solamente i veicoli che procede, ma occorre porre attenzione anche in lontananza
लुंतनांसा पर कंट्रोल ला रही सिचुएशन है ट्रैफिक को जब दूसरी गाड़ियों के साथ लाइन में चलें तो सिर्फ अपने सामने वाली गाड़ी को ही ना देखें बल्कि आगे दूर तक नजर रखें ताकि ट्रैफिक के हालात पता चल सकें। Per agevolare il traffico è opportuno lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali quando si viaggia dietro ad una fila di veicoli. Laterali side wale viaggia dietro, ok. Traffic ki asani ke liye munasib hai road ke side se enter hone walon ke liye jagah khali chhode jab dusri gaadiyon ke piche aur line mein सफ़र कर रहे हों, ठीक है जी। ये अगर आप रोड पे हैं, लाइन लगी हुई है, यहाँ से रोड अगर इंटर हो रहा है तो वो जगह खाली छोड़ दें। इसमें अक्सर एक सवाल स्टूडेंट गलत कर आते हैं, वो सवाल इस तरह के, आपने घर के सामने भी गाड़ी यूं अगर लाइन में खड़े हुए हैं तो प्रोप्रियता प्रिवाता के सामने भी खाली छोड़ने नहीं, वहाँ पे तो आप गाड़ी खड़ी कर, यानी कि अगर लाइन में है तो वहाँ तो खड़ी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी का ये रोड है और यहाँ पे किसी का घर है, उसका दरवाजा है, कंचेलो है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। Quando si viaggia in fila con altri veicoli bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza. Jab dusri gaadiyon ke saath line mein safar karein to phir bhi safety distance, safety wala faasla rakhne ki zarurat hai. Per una maggiore sicurezza quando si viaggia in fila con altri veicoli è opportuno non avvicinarsi troppo al veicolo che procede. Jab line mein dusri gaadiyon ke saath safar karein to zyada safety ke liye munasib hai zyada paas na jaye us gaadi ke जिसके पीछे चल रहे हों। Un incidente anche a bassa velocità potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti e motociclisti se coinvolti. एक एक्सीडेंट स्लो स्पीड में भी सीरियस जिस्मानी मसला पैदा कर सकता है पैदल चलने वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए अगर शामिल हैं, ठीक है जी। उन्होंने तो जैसे बासा वेलोसिटा पुत्रेबे क्रिया रे ग्रावी प्रॉब्लेमी ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिची फिजिकल जिस्मानी अपेदोनी पैदल चलने वालों के लिए चिकलिस्ती मोटोचिकलिस्ती से कौन बोलती अगर शामिल हैं। Bisogna controllare frequentemente nello specchietto retrovisore se sopra raggiunge un ciclista o motociclista. Controllare, cioè checkarna frequentemente, bar bar nello specchietto retrovisore, specchietto retrovisore wo tingin se hum piche dekhte hain, ठीक है जी। से सुपर रजूंज अगर आ रहा है उन चिकलिस्ता साइकिल वाला ओ मोटरसाइकिल वाला, ध्यान की जरूरत है, बार बार या अक्सर देखें पीछे देखने वाले शीशों से कहीं साइकिल या मोटरसाइकिल वाले तो नहीं आ रहे या पहुंच रहे। इल कंडुचेंटे डोपो वेर पोस्टे जातो इल वेहिकोलो अल्लातो दल्ला कर जाता प्रीमा दिया प्रीरे लो स्पोर्टेलो नॉन देव स्कूज़ स्पोर्टेलो देवे कंट्रोलारे के नॉन सुपर जुंगोनो ciclisti o motociclisti जब ड्राइवर को कर जाते के साथ खड़ा जब ड्राइवर गाड़ी को कर जाते के साथ खड़ा करे तो उतरने से पहले यकीन दहानी कर ले कि पीछे से साइकिल या मोटरसाइकिल तो नहीं आ रही, ठीक है जी। ये वाला सवाल एक है, बिल्कुल उसमें ये सब कुछ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नॉन देवे कंट्रोल ला रहे, ये अपने ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर नॉन है तो फिर ओबियसली वो गलत है, फाल्सो। I montanti interni del autoveicolo condizionano la visibilità. गाड़ी के इंटरनल सतून या पिलर नजर की हदबंदी करते हैं। नीचे तस्वीर में ए बी सी मुंतानती हैं, ये गाड़ी की मुंतानती हैं जी। ये एक मुंतानती है, ये एक मुंतानती है, और ये जो चीज़ है ये इन्हें कहते हैं मुंतानती। ये हमारी नज़र की हदबंदी भी करते हैं।
I montanti interni degli autoveicoli riducono la possibilità di vedere un ciclista o un motociclista. गाड़ी के इंटरनल सतून देखने की आदत को कम करते हैं साइकिल और मोटरसाइकिल को देखने में। Riguardo verso gli utenti deboli della strada, anziani, diversamente abili, bambini, pedoni, ciclisti, रोड पर कमजोर लोगों का एहतराम, बुजुर्ग, माजूर, बच्चे, पैदल चलने वाले, साइकिल वाले, बुजुर्ग, बूढ़े, एज्ड जो है, रोड पर दिन में काफी ट्रैफिक होती है, जिस वजह से हादसों का खतरा ज्यादा होता है। उनमें जो सबसे कमजोर लोग हैं वो ये हैं, बुजुर्ग, बूढ़े या हामला, प्रेग्नेंट औरतें, माजूर, डिसेबल लोग, शेकी, अंधे बहरे, बच्चे और टीनेजर्स उन्हें कहते हैं जिनकी 13 से 19 तक की उम्र होती है, टीनेजर्स, जो लड़कपन होते, लड़के होते, पैदल चलने वाले, साइकिल वाले। Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili, me ne ripeto, persone diversamente abili, जो disabled लोग, अगर यही अगर होता persone abili तो इसका मतलब है बंदा ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। diversamente abile यानी कि माजूर है। जरूरत है ज्यादा एहतियात करने की दूसरों के मुकाबले में माजूर अफराद की। Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane. जरूरत है ज्यादा एहतियात करने की दूसरों के मुकाबले में बूढ़े अफराद की, जो एज्ड हैं। Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada. जरूरत है ज्यादा एहतियात करने की दूसरों के मुकाबले में जब बच्चे रोड पार कर रहे हों। जरूरत है ज्यादा एहतियात की उन ड्राइवर्स के मुकाबले में जो रोड पर Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta. Zarurat hai zyada ehtiyat ki un drivers ke muqable mein jo road par gair yaqini ka muzahira karte hain. Yani ki agar aap dekhte hain koi jo driver hai gair yaqini ka muzahira kar raha hai, upar kartello dekh raha hai, road change karna chah raha hai, nahi karna chah raha, bazukat is tarah ho jata hai ki banda kisi naye shehar mein jaye to us time bhi aapne ehtiyat karni है, पीछे रुक जाना है उस बंदे को, यानी आहिस्ता हो जाना है। Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adatti per le persone diversamente abili. Confronto, ok. जरूरत है ज्यादा एहतियात की उन गाड़ियों के ड्राइवर्स की जो मजदूरों के लिए स्पेशल तैयार की गई हैं। Bisogna usare maggiore prudenza maggiore prudenza nei confronti delle persone in biciclette e di quelle con scarsa capacità di movimento. Scarsa, yani che scarsa capacità, jinme kam capacity hai harkat karne ki. Zarurat hai zyada ehtiyat ki dusron ke muqable mein un cycle walon ya wo jo aahista harkat karte hain. Theek hai ji. Comportamento a salvaguardia degli anziani. Next lesson, mi partiamo. Ok.